हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है रियलमी GT। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन पूरी तरह से 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है सामने आ चुकी है। इसके साथ ही साथ डिजाइन तो आपको हमलन में दिख ही चुकी होगी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि इस स्मार्टफोन में कौन कौन से फीचर आने वाले और क्या कुछ मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मॉडल की बात करें तो रियलमी GT 5G इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों, ये अभी इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है। बस कुछ दिनों में ये इस स्मार्टफोन को जो है लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। और यही हम बात करें डिस्प्ले साइज की, तो 6.8 इंच का डिस्प्ले है, जो कि रियलमी के सभी स्मार्टफोन से थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगी हमें। और इसके साथ ही साथ OLED डिस्प्ले टाइप देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर रैम की, तो यहाँ पर रैम में दो वेरियंट है। फर्स्ट जो वेरियंट है वो है 8GB और सेकंड जो वेरियंट है वो है 12GB। और इंटरनल स्टोरेज में दोस्तों 3 वेरियंट है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो है तीन वेरिएंट में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। और बात करें यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज की वेरिएंट की, तो यहाँ पर फर्स्ट जो वेरिएंट है वो है 128GB, सेकंड है वो है 256GB और थर्ड है वो है 512GB। यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो है तीन वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, कलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर कलर वेरिएंट की भी कोई खास जानकारी नहीं है। कलर वेरिएंट पे हमें दो या तीन वेरिएंट में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अभी सिल्वर कलर में ही हमें इसकी डिजाइन देखने को मिली है और कोई कलर में हमें इसकी डिजाइन देखने को नहीं मिली। तो इसलिए ये कन्फर्म नहीं है कि इसका कोई और कलर भी आने वाला है। इसके अलावा इसमें डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और यहीं बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 11 प्लस रियलमी UI 2 का सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है इस स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि अभी रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन में रियलमी UI 2 का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और यहीं दोस्तों, हम बात कर ले कैमरा की, तो 64MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है और 30MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। फिर से 30MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है, यानी कि इसमें टोटल बैक में 3 कैमरा हमें देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इसमें आपको 4K HD वीडियो का सपोर्ट भी देखने को हमें मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। और यहीं फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा की भी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही जानकारी सामने आएगी हम आपको एक वीडियो के जरिए नोटिफाई कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी है। और एक जो सबसे खास बात चीज है दोस्तों, एक जो इसमें सबसे हमें अच्छी बात लगी वो है 125W का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ी बात है रियलमी के या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी स्मार्टफोन में। इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है, जो कि रियलमी ने अब इस स्मार्टफोन में जो है प्रोवाइड किया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 5G सिम का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ 4G 3G 2G का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये एक 5G फोन है, तो इसमें आपको ऑलरेडी 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा ही। और दोस्तों, यहीं हम बात कर लें प्रोसेसर की, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 88 का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, काफ़ी पावरफुल ये प्रोसेसर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशन जो हमने आपको शेयर की, और ना ही तो इसकी प्राइस हमें मालूम है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी जल्दी इंडिया में आने वाला है, और आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी हो सकती है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। गाइस, हालांकि ये कुछ दिन के अंदर जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है, और ये जो भी स्पेसिफिकेशन है वो चाइनीज़ में थी, जिसे मैंने ट्रांसलेट करके और इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करके और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये सभी के सभी स्पेसिफिकेशन है इस स्मार्टफोन में रियली में होने वाली है, और कुछ दिन में जो है इस फ़ोन के जो है लॉन्च होने के बाद सेल भी स्टार्ट हो जाएगी चाइना में। तो अगर आप बाई करना चाहें तो चाइनीज़ वेबसाइट पर से जाकर बाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, फ़ोन की भी पूरी डिज़ाइन हमें सामने से नहीं दिखी है, सिर्फ बैक का ही डिज़ाइन हमें देखने को मिला है, लेकिन स्पेसिफिकेशन पूरी सामने आ चुकी है। हालांकि प्राइस और फ्रंट का जो है, यानी कि सेल्फी कैमरा को छोड़कर, बाकी सारी हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल चुकी है कि क्या कुछ इस स्मार्टफोन में होने वाला है। और दोस्तों, कब तक ये आएगा ये भी अभी कोई गारंटी नहीं है स्मार्टफोन का, क्योंकि हो सकता है इस स्मार्टफोन को एक दो महीने में लॉन्च कर दिया जाए इंडिया में। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।